हमारा जीवन हमारे विचारों का ही परिणाम होता है तथा जो हम सोचते हैं हम वो बन जाते हैं। हमारी जीवन शैली भी हमारी सोच पर ही निर्धारित होती है। योगियों ने इस प्रक्रिया को सिद्ध संकल्प का नाम दिया, अर्थात विचारों में अत्यधिक कुशलता होना, जिससे हम लक्ष्य प्राप्ति की ओर आगे बढ़ सकें। यह कोई फिलॉसफी नहीं बल्कि विज्ञान है। आप किसी भी चीज का सृजन करने से पहले उसके बारे में सोचते हैं। क्वांटम फिजिक्स में एक कॉन्सेप्ट है जिसे द ऑब्जर्वर का नाम दिया गया। सरल शब्दों में कोई भी दर्शक या देखने वाला अपने देखने की शक्ति मात्र से वास्तविकता का सृजन कर सकता है। तरंग गतिकी या वेव डायनामिक्स अणु गतिकी या पार्टिकल डायनामिक्स में बदल जाती है। अगर आप तरंगों को वास्तविक पदार्थ में तब्दील करना चाहते हैं तो आपको उन तरंगों को देखना होगा। जैसे ही आप उन तरंगों को देखेंगे आप पाएंगे कि वह वास्तविकता में बदल चुकी हैं। यह बहुत ही सरल किंतु गहरी बात है। उदाहरण के तौर पर आप एक सेब या एप्पल के बारे में सोचें तथा बस सेब या एप्पल के बारे में सोचने की प्रक्रिया से आपके मन में सेब की छवि बन जाती है। यदि आप सेब के बारे में नहीं सोचेंगे तब यह प्रक्रिया संपूर्ण नहीं हो पाएगी। संक्षेप में आपको अपने विचार ध्यानपूर्वक अर्थात संकल्प शक्ति से युक्त होकर सोचने चाहिए, जिससे वह विचार वास्तविकता में तब्दील हो सके और आपका उद्धार हो सके। गौर करने की बात यह है कि इसमें ज्यादा समय नहीं लगता। उदाहरण के तौर पर अगर आप करोड़पति होना चाहते हैं या कोई बीमारी ठीक करना चाहता है पर आप सोचते हैं कि यह सब करने के लिए बहुत लंबा समय लगेगा तो वैसा ही होगा। जैसा आप सोचेंगे वैसा ही होगा। इसलिए अगर आप अपने हर विचार को इलेक्ट्रॉन के लेवल तथा क्वांटम फिजिक्स के स्तर पर सोचें तो आपकी आकांक्षाएं स्पीड ऑफ लाइट की तेजी से पूरी हो जाएंगी। स्पीड ऑफ लाइट यानी स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स जो न्यूक्लियस के आसपास तैरते हैं, आप बस उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स के बारे में सोचें और उन्हीं की गति से आपके विचार को प्रबलित करें। किसी भी विचार की कल्पना करें और उस विचार का इलेक्ट्रॉन के अंदर संचार करें जो स्पीड ऑफ लाइट की गति से घूम रहा है, तो वह विचार इलेक्ट्रॉन की गति में आ जाएगा, जिसे वास्तविकता में बदलने में समय नहीं लगेगा। इस प्रक्रिया से आपकी साइकोलॉजी या मनोस्थिति में भी बदलाव आएगा, आपकी विचार शैली में भी परिवर्तन आएगा तथा यह करने से आप अपनी रोबोटिक विचारधारा से बाहर निकल जाएंगे। आपके विचार करने की शैली जो पहले उलझन भरी
अनुत्पादित, बेसुध, बेमतलब के ख्यालों से घिरी हुई थी। इन सब से आप काफी हद तक छुटकारा पा सकेंगे। यह सोचने की आदत बदलने से आपके चेतना या कॉन्शियसनेस के जीन स्ट्रक्चर में भी बदलाव आएगा, जिससे आप अपने शारीरिक तथा मानसिक विकारों से भी निजात पा सकेंगे। अपने निजी संबंध तथा जीवन शैली में भी सुधार महसूस करेंगे। सारे विकार एक तरह से कुछ वैचारिक पैटर्न्स ही हैं, जो कि लो फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करते हैं, पर जैसे ही आप कॉन्शियस हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन की गति में सोचने लगते हैं, तब आपको विकारों को वास्तविकता में बदलने में समय नहीं लगता। थिंक और थिंग दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक मटेरियल है और एक साइकोलॉजिकल। दोनों में सिर्फ एक अंतर है, एक में क आता है और दूसरे में ग। इसके पीछे एक राज जुड़ा हुआ है। हमें अपनी विचारधारा में बदलाव लाकर अपनी पुरानी विचार शैली से बाहर निकलकर हायर फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट होना चाहिए। सारी मानवता को अपने आप को सकारात्मक ख्यालों से भर देना चाहिए। जब हम हायर फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करते हैं, तब मूर्खता के लिए कोई जगह नहीं बचती। इसे सकारात्मक और सचेत जीवन जीने की शैली कहते हैं। हमें अपना जीवन एक सेकंड के लिए भी बिना जागरूकता के नहीं बिताना चाहिए। अगर आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि हमारा शरीर भी हमारे विचारों का ही नतीजा है। पर एक बार हम इस शरीर में आ जाते हैं, तब हमें लगता है कि हमारा शरीर कभी नहीं बदल सकता। इस कारणवश हम अपने डीएनए को कभी रीप्रोग्राम करने का नहीं सोचते। और यह रीप्रोग्राम होगा कैसे? बस अपने विचारों को हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स की तरह सोचें और आप पाएंगे कि जिस गति से आप सोचेंगे, उस गति के साथ ही वास्तविकता में आपके साथ वैसा ही होगा। परंतु यह प्रक्रिया में अनुशासन का खासा महत्व है। अपना पूरा जीवन इसी विचारधारा से जीने से आपकी हर सोच वास्तविकता में तब्दील हो जाएगी। नकारात्मक सोच और अज्ञानता आपको जीते जी मार सकती है, परंतु ज्ञान और सकारात्मक विचार आपकी हर कामना पूरी करेंगे। इसी वजह से सामूहिक मेडिटेशन बहुत असरदार साबित हुआ है, और इसमें इतनी ऊर्जा तथा शक्ति होती है जिससे हर विपरीत परिस्थिति को सुधारा जा सके। वॉशिंगटन में डीएम और पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा एक प्रयोग में 2000 घनिष्ठ साधकों को एकत्रित किया गया, जिन्होंने कुछ महीनों तक ध्यान किया, और इस ध्यान के नतीजे से अपराध दर में 25% की गिरावट भी आई। सकारात्मक लोगों के सामूहिक ध्यान की शक्ति का यह वास्तविक उदाहरण है। ज्यादातर लोग यह मानते हैं कि उनकी सबसे अहम पूंजी पैसा है, पर उन्हें यह नहीं पता
कि उन पैसों से उन्हें करना क्या है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास पहले कोई पैसे नहीं थे, जैसे बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, लैरी पेज, रिचर्ड ब्रैंसन। इन लोगों के पास हमेशा से ही पूंजी नहीं थी, पर आज यह बहुत सफल लोगों की सूची में आते हैं। यह वही लोग हैं जिन्होंने ट्विटर, फेसबुक और गूगल जैसे सफल उद्योगों का सृजन किया। ज़्यादातर लोग मानते हैं कि जिसके पास पूंजी नहीं वो कभी सफल नहीं हो सकता। यह तर्क बिल्कुल ही गलत और बेबुनियाद है। इंसान की सबसे बड़ी पूंजी उसका सोल या आत्मा है, जिसमें इतनी ताकत है कि वह असीम संभावनाएं बनाकर आपकी हर मनोकामना पूरी कर सकता है। वहीं दूसरी ओर मस्तिष्क ना समझी और तर्क के बंधनों में फंसकर सुस्त पड़ जाता है। इसलिए आपको अपने मस्तिष्क से निकलकर अपने सोल को गले लगाना है। आपका सोल इलेक्ट्रॉन की स्पीड से प्रक्रिया करता है। मैंने आपको जो प्रक्रिया बताई है उसे लगन से करें। आप खुद कोई सकारात्मक विचार सोचें और मान लें कि विचार एक इलेक्ट्रॉन की तरह है और तेजी से आगे बढ़ रहा है। उदाहरण के लिए आपके पास एक विचार है, जैसे कि कोई मिलियन डॉलर विचार या स्वास्थ्य युक्त विचार या एक उत्कृष्ट संबंध निर्मित करने का विचार या जो भी आप सोचना और पाना चाहते हैं, और उस विचार को इलेक्ट्रॉन के अंदर संचार करने की कोशिश करें और फिर आपको अपना विचार वास्तविकता में बदलने में बहुत समय नहीं देना होगा, क्योंकि विचार और इलेक्ट्रॉन एक ही हैं और वह विचार पहले ही प्रकाश की गति से चलना शुरू हो चुका है। तो यह सब करने से, आपने कुछ सोचने से पहले ही पर्याप्त कार्य कर लिया है। एक सेकंड के अंश के भीतर ही आपने अपने मैनिफेस्टेशन को सही गति दे दी है। जितना मैंने आपको समझाया है यह सब बहुत सरल है। और मन को नकारना याद रखें। जब मन इस विचार को साधने के लिए आता है तो मन कहेगा, ठीक है, यह सब कल्पना है, ऐसा होने वाला नहीं है, मेरे पास अभी भी पैसा नहीं है, मेरा अभी भी इस व्यक्ति के साथ अच्छा रिश्ता नहीं है, ना अच्छा स्वास्थ्य है, मैं अभी भी अधिक वजन से ग्रसित हूँ, मैं इसके साथ संघर्ष कर रहा हूँ। आप जानते हैं मन कितना नकारात्मक है, अतीत में रहता है। यह मन की समस्या है। यह इलेक्ट्रॉन के सूक्ष्म क्षण में आसानी से नहीं रह सकता। इससे पहले कि आप एक विचार को सोच सकें, इलेक्ट्रॉन कई बार आगे बढ़ गया होगा, लेकिन फिर भी कम से कम सोच के, अनुशासन के माध्यम से और खुद को इलेक्ट्रॉन के साथ जोड़कर आप एक जबरदस्त गति से अपना मैनिफेस्टेशन प्राप्त कर सकते हैं। आपके पास जितना अधिक फोकस होगा, तरंगें या लहरें उतनी जल्द ही आपके मैनिफेस्टेशन को सत्य में बदल देगी। फिर आप जो भी सोचते हैं आप तुरंत ही पा लेंगे, या आप सोचने से पहले ही इसे मैनिफेस्ट कर देंगे। और अगर हर कोई इस तरह से जीवन जीना शुरू कर देता है तो वह अपने
चारों ओर की चेतना को पूरी तरह से शुद्ध कर लेगा और पर्यावरण भी स्वच्छ हो जाएगा। इसलिए हमें जिस चीज की आवश्यकता है वह है एक साथ बैठे लोगों का एक समुदाय जो अपने विचार पैटर्न को बदलने के लिए ध्यान करें और धीमी गति से विकास की सभी पुरानी यादों को मिटाने के लिए तत्पर कोशिश कर अपने मैनिफेस्टेशन की गति बढ़ाएं। तब आप पाएंगे कि हम गोल्डन एज अर्थात सुवर्ण युग रचने जा रहे हैं, पर यह शरीर जो जमे हुए समय की तरह है, जो जमी हुई ऊर्जा है, इस उच्च गति के विचार को नहीं रच पाएगा। पर जब आप इलेक्ट्रॉन की गति पर सोचेंगे तो उस समय आपका शरीर लाइट या प्रकाश में बदल जाएगा, क्योंकि आप गति को पाने के लिए शरीर को गर्म कर रहे हैं। और जब यह उच्चतम गति उठाता है तो यह भौतिक शरीर परिवर्तित हो जाता है, भीतर की ऊर्जा का कोई सहारा नहीं है, ऊर्जा स्थानांतरित हो जाती है और यह ऐसी गति से वाइब्रेट करता है कि शरीर को या तो मृत होकर छोड़ना पड़ता है या वह जीवित रहना चाहता है तो उसे सूक्ष्म पदार्थ में बदलना होगा जो कि लाइट है। खैर, वह एक एडवांस्ड सिद्धि है, पर मैंने जो प्रक्रिया बताई यह बहुत सरल है। इसलिए ऐसा मत सोचें कि आपको मैनिफेस्ट करने में बहुत लंबा समय लगने वाला है, और यह भी ना सोचें कि इसे पूरा करने के लिए लंबे समय तक ध्यान करना पड़ेगा। यह पुराने जमाने की सोच है। आपको इस पुरानी सोच की आवश्यकता प्रतीत होती थी क्योंकि आपने हमेशा से ही इस विचार को सत्य माना था। अपनी कंडीशनिंग या जो आप अपने जीवन में सीखते हैं उसके कारण ही आपने यह धारणा बना ली कि लंबे समय तक काम करना है, मुझे लंबे घंटों तक ध्यान करने की आवश्यकता है, क्योंकि शरीर केवल वक्त गुजारना चाहता है। नींद के लिए इतना समय है, ध्यान के लिए इतना समय है, वगैरह वगैरह। लेकिन साथ ही साथ आपको अपने डीएनए को इस तेजी से आगे बढ़ने वाले समय के लिए रीप्रोग्राम करने की आवश्यकता है, फिर से बोसोनिक टाइम में रीप्रोग्राम करना चाहिए। जब आप अपनी कॉन्शियसनेस में बोसोन के समय के हिसाब से चलते हैं तो यह बोसोन की गति को बढ़ा देगा और किसी प्रतीक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे याद है कि जब मैंने 20 या 25 साल पहले या 30 साल पहले पढ़ाना शुरू किया था, तब मैं छात्रों से कहता था, प्रतीक्षा समय की बर्बादी है। यह एक बड़ा पॉइंट है। आपको इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। इसके पीछे विज्ञान है। किसी चीज को मैनिफेस्ट करने के लिए प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। इसे झटपट प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि जब आप इस हाई स्पीड समय के अनुरूप होंगे तब आपके विचार पैटर्न भी बदल जाएंगे। मैं आपको एक बहुत ही ठोस उदाहरण दूंगा।
कहते हैं कि कोई व्यक्ति व्यवसाय शुरू कर रहा है और उस व्यक्ति के पास कोई पूंजी नहीं है, लेकिन किसी तरह वह व्यवसाय बनाने में कामयाब रहा। लेकिन फिर पूंजी एक समस्या है। अगर वह व्यक्ति तेज गति से सोचना शुरू कर देता है और इस पूंजी बढ़ाने के विचार को इलेक्ट्रॉन के अंदर रखता है और फिर उस पर काम करता है, एक कमरे में बंद रहकर और खूब ध्यान करके भविष्य में धन की उपलब्धि होगी, ऐसा नहीं है। जरूर यह कुछ नहीं करने से बेहतर है, अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ जैसा कि मैंने आपको कहा, आपको ऐसा समझना है कि अब जब मैंने इस विचार को इलेक्ट्रॉन में रखा है तो यह बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होगा। यह हो सकता है कि कुछ वेंचर कैपिटलिस्ट आएंगे और उस व्यक्ति के साथ साझेदारी करेंगे। वह आकर कहेंगे, अरे तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मेरे पास पैसे हैं और तुम्हारे पास युक्ति है, तो चलो एक दूसरे का सहयोग करते हैं। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रॉन के भीतर तेजी लाने के इस विचार को नहीं रखते हैं, तो आप कभी भी वेंचर कैपिटलिस्ट या एक एंजल इन्वेस्टर को अपने जीवन में प्रकट नहीं कर पाएंगे। ऐसे लोग जिनके पास पैसा है लेकिन युक्ति नहीं, इस ध्यान के सहारे, उदाहरण के लिए ऐसा कोई व्यक्ति आपका सहयोग करेगा तो यह ध्यान कई द्वार खोल देगा। यह मात्र एक दरवाजा नहीं है जिसके बारे में बात कर रहा हूं, लाखों दरवाजे होंगे जो खुलेंगे। तो इस तरीके से ही हमें जीना चाहिए। हमें केवल महीनों या वर्षों की काल अवधि के बाद आकांक्षा फलीभूत होगी, ऐसा विचार नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें इस पल में ही सब कुछ मैनिफेस्ट करना चाहिए और अंत में शरीर को लाइट में बदलना चाहिए, जो कि मेरा प्राथमिक शिक्षण है। ईश्वर सबका भला करे।